सीआईए रेवाड़ी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन में खुला पाया गया शराब का ठेका, सीआईए की टीम ने रेड मार कर करवाया सील। सेल्समैन भी किया गया गिरफ्तार। शराब की बिक्री कर रखी गई करीब 90,000 की राशि भी बरामद। जिले के गांव पालावास का मामला। सर, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन बावजूद उसके कुछ लोग शराब की अवैध तस्करी कर रहे हैं, तो कितनी कामयाबी मिली ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने में? इन पे पूर्णतः से शिकंजा कस रहे हैं। बाकी जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद सीआईए रेवाड़ी ने 15,156 बोतल पकड़ी है शराब की और 13,528 बोतलें सीज कराए हैं। ठेका जो हाल ही में जो अभी किया है पालावास स्थित ठेका था उसको वो बेच रहा था तो वो सील करवा दिया। 89,970 रुपए जो वो अवैध बिक्री के थे वो कब्जा में लेके कार्रवाई थाना रोड़ाई में की जा चुकी है और आगे भी इस पे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी नोटिस मार रहा है लॉकडाउन की उल्लंघना कर रहे हैं उन पर सख्ती से जैसे अधिकारियों के आदेश हैं उनको प्रॉपर लागू किया जा रहा है। तो मान लिया जाए कि शराब की अवैध तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पहले भी कार्रवाई करते रहे आगे भी करेंगे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, डीसी साहब व एडीजीपी साहब ने सख्त आदेश दिए हुए हैं कि भी लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके अनुसार हम कार्रवाई करें।